पर NH नेशनल हाईवे 68 पर चलते ट्रेलर में आग लगी। हालांकि जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। काफी दूर तक आग की लपटें भी देखी गई है। NH 68 पर लगा लंबा जैम भी। बता दें कि गांधीव की सरहद में यह हादसा हुआ। काफी दूर तक आग की लपटें देखी गई। NH 68 पर लंबा जाम लगा। गांधीव की सरहद में यह हादसा हुआ। जालौर से खबर है चितलवाना के NH 68 से। ये देखिए आग की लपटें आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। जैसे ही घटना की जानकारी मिली गांधीव की सरहद में ये हादसा हुआ है। डूंगर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डूंगर, क्या जानकारी आपके पास, कैसे ये आग लगी ट्रेलर में और क्या आग पर काबू पा लिया क्या है? तो एक बार फिर से बता दें, हमारे सहयोगी से हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक बता दें कि NH 68 पर चलते ट्रेलर में आग लगी है और हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। काफ़ी दूर तक आग की लपटें भी देखी गई हैं और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं आग की लपटों को, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रात के वक्त की ये घटना हम देख सकते हैं। डूंगर, आवाज़ मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है। जी डूंगर, क्या जानकारी इस पूरी खबर के बारे में? के पास दिल्ली में जो नेशनल हाईवे 65 उसमें ये ट्रकों की कल परसों रात को भी दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई थी और कल रात को भी एक ट्रक में चलती ट्रक में आग लग गई थी। उसमें पीछे चल रही थी मोटरसाइकिल सवार ने जब आग को देखा तो ट्रक वाले को रुकवा के उस ट्रक वाले ने कूद के अपने चालक ने जान बचाई और उस आग को इतनी तेज लगी कि वो कहीं 30-40 किलोमीटर तक रेंज में पूरे एरिया में आग आग दिख रही थी जी। तो ग्रामीणों ने वहाँ पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी और पहुंच के मौके पर आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, बहुत देर रात जी। और कितना वक्त लगा आग पर काबू पाने के लिए? करीब 8-10 घंटे लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए। जयपुर का रुख करेंगे जहां पर शाहपुरा में चारागाह भूमि में अचानक आग